ब्लॉग अपलोड होगा ना वो मेरे हस्बैंड ने बनाया, जो है उन्होंने एक ही दिन में चारों के चारों सिद्ध जो है एक साथ कोल्ड ड्रिंक के ये रैप सिर्फ वो है सामने प्रवेश द्वार। चल कितना अच्छा बना रखा है, हम अंदर चलते हैं। सर्विस लेन में मुड़े अंदर को। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद रखती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग जो मैं अपलोड करने वाली अपने चैनल पे, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो ब्लॉग अपलोड होगा ना वो मेरे हस्बैंड ने बनाया, जो क्योंकि जो मेरे पति देव जी हैं वो गए थे कल सिद्धपीठ के दर्शन के लिए। तो टोटल जो भारत में है ना 84 सिद्ध है, उसमें से कि 4 सिद्ध जो हैं देहरादून में। तो वो 4 सिद्ध के दर्शन कराने के लिए मैंने उनको बोला था कि मेरे जो फैमिली है, मीन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब में, उनको मैं दिखाना चाहती हूँ कि 4 सिद्ध जो देहरादून में है कैसे हैं, क्या है करके। अगर उनकी इच्छा हुई या उनके मन हुआ तो वो भी जब देहरादून में आए तो ज़रूर दर्शन करें। तो और सबसे खास बात यह है, उन्होंने एक ही दिन में चारों के चारों सिद्ध जो है एक साथ दर्शन कर लिए, सबसे अच्छी बात ये थी। तो अब का जो मैं आगे जो ब्लॉग मतलब स्टार्ट होने वाला है वो मेरे हस्बैंड यानी कि हमारे पति देव जी करेंगे, तो उनकी ब्लॉगिंग देखना आप कैसी लगती, क्या लगती कि अभी तक आप मुझे ब्लॉग में देखते आए हो, तो आज वो कैसे वो देखना, वो कैसे ब्लॉग स्टार्ट मतलब कैसे करते हैं, काफ़ी अच्छा, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, नया होता है, सबसे नया नया सीखने को मिलता है। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमारी कॉलोनी में काम चल रहा है, आजकल सीवर लाइन का पाइपलाइन बिछ रही है, और अभी टाइम हो रहा है 9:30 सुबह के, हम निकल रहे हैं। आज वैसे संडे का दिन है, तो हमने बोला निकलते हैं आज देहरादून में, 4 से बड़े फेमस हैं, कालू से, मानक से, लक्ष्मण से, और एक और है नानक से, एक और है मांडू से। तो ये 4 सिद्ध हैं, फेमस हैं ऑल ओवर इंडिया में, 84 सिद्ध हैं, बट इंडिया हमारे देहरादून में ही 4 हैं। तो हम सोच रहे हैं आज उन्हें कवर किया जाए, तो आपको दिखाता हूँ कैसे कैसा है, बाकी स्टे ट्यून्ड। सो गाइस ये देखिए, ये हाईवे है, और अभी जो पहला मंदिर आ रहा है ये देख सकते हैं बोर्ड पे भी आप, श्री लक्ष्मण से टेंपल करके है यहाँ पे, और ये मेन हाईवे पे ही है। यहाँ से हम ये सर्विस लेन में मुड़े अंदर को, आगे से भी रास्ता है बट हम ये सर्विस लेन के रास्ते से जा रहे हैं। ये एक्चुअली पुराना रास्ता हुआ करता था यहाँ का, अब जब से ये 4 लेन हाईवे बना है तो ये रास्ता कम ही यूज़ होता है। बाकी आप देख सकते हैं ये रास्ता कितना हरा भरा है, यहाँ से हमें लेफ्ट होना है। ये देखिए मंदिर श्री लक्ष्मण से 1 किलोमीटर है गाइस यहाँ से, यहाँ पे पुलिस चौकी भी है रेड कलर वाली, और ये देखिए बंदर वाले। बाकी रास्ता आप देखिए, आई रहे यात्रा भी चल रही है, 4 धाम यात्रा अंदर यहाँ पर। सो गाइस ये आ चुके हैं लक्ष्मण से मंदिर, ये देखिए ये एंट्री गेट है, ये प्रसाद वगैरह यहाँ बाहर मिल जाता है, और पूरा मंदिर ये। सो गाइस यहाँ पे हाथ धोने का है, हाथ धोइए और यहाँ से दर्शन करने के लिए। ये देखिए मंदिर है सामने, फ्रंट है, जय हो। सो गाइस हमने दर्शन कर लिए अंदर मंदिर है, और ये पंडित जी मंदिर समिति बैठ रही है यहाँ पे। सो गाइस हम प्राचीन अखंड जो अली आ रही है वहाँ गए थे, वहाँ हमारे ये टीका भी लगा, आप देख सकते हैं जैसे कि महादेव जी का। तो ये देख सकते हैं हम दोनों ने अखंड ज्योत के दर्शन किए, अब यहाँ से चलते हैं हम दूसरे सिद्ध की तरफ। अच्छा एक चीज़ दिखाना भूल गया था मैं, इसलिए आपको वीडियो पे लाया हूँ, यहाँ बहुत अच्छा इन्वेंशन कर रखा है, दिखाता हूँ। सो गाइस मैं जो दिखाने लाया था आपको, ये देखिए यहाँ कितना अच्छा बना रखा है जंगल करके, ये देखिए पूरे शॉट में। और ये देखिए अगर मैं दिखाऊँगा आपको ना, ये जो जंगल लिखा हुआ है किस चीज़ का बना रखा है इन्होंने, देखिए अंदर, ये देखिए जो कूड़ कबाड़ यहाँ छूट जाता है उसका, ये देखिए कोल्ड ड्रिंक के ये रैप से प्लास्टिक, ठीक है, इधर ये अमूल के दूध के पैकेट, ये जूते चप्पल, ये देखिए किसी जो छोड़ के यहाँ कूड़ा कबाड़ा करके जाते हैं, ये प्लास्टिक की बॉटल्स ये सब, और इसमें ये लिख भी रखा है किसने बनाया ये,
वेस्टेज वॉरियर लाल फैमिली फाउंडेशन हर्रावाला में वेस्टेज है। ये हमें दिखा रहे हैं कि हमें एनवायरनमेंट कैसा क्लीन करना चाहिए। तो गाइस हम कालू सेतु वाले रोड पे आ चुके हैं। ये रोड थी सीधा एयरपोर्ट पे जाती है, वहीं से लेफ्ट हो गए थे। जगह का नाम है कालू वाला, जो कि पड़ता है खाने वाला में। हाँ, आशीर्वाद दे रही हैं। वो है सामने प्रवेश द्वार। जय श्री श्री कालू सिद्ध बाबा जी, सिद्धपीठ कालू वाला देहरादून, जो मैंने आपको बताया था। ये है, देखिए कितना अच्छा बना है, बेहतरीन। जय श्री कालू सिद्ध। फोटो आने पहले दर्शन पर दर्शन कर ले। ये इधर ये कितना अच्छा बना रहा है ना। देखिए थोड़ा लॉन टाइप का है। अच्छी करना है जैसे इतनी फमलिंग है। ओ वाह यार, बड़ा अच्छा बना रहा है। ये देखिए कितना अच्छा बना रखा है मंदिर अंदर का। देखिए श्री श्री कालू सिद्ध बाबा जी का सांस्कृतिक परिचय दे रहा है यहाँ पे। आप वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। अंदर से प्रवेश द्वार, अंदर मंदिर जी उसमें का। ओके अभी अंदर दिखाता हूँ, हम अंदर चलते हैं। जय हो, जय भगवान जी। और वो देखिए आगे कालू सिद्ध बाबा जी क्या हुआ है। ये देखिए गाइस कालू सिद्ध बाबा जी का मंदिर, और ये है मंदिर परिसर। पंडित जी हैं हमारे। ये कितना अच्छा बना रखा है। हाँ, आशीर्वाद दे रही हैं। हम जा रहे हैं अब दूसरे सिद्ध की तरफ, जो कि है मानक सिद्ध। मानक सिद्ध पड़ता है ये ISBT से अंदर बड़ो वाला साइड। तो यहाँ से निकल चुके हैं हम, बाकी अब आपको ले चलते हैं हमारे तीसरे सिद्ध की तरफ। तो गाइस हम पहुँचने वाले मानक सिद्ध। ये नेशनल हाईवे है चंडीगढ़ का। ये देखिए मानक सिद्ध मंदिर मार्ग लिखा भी है। यहाँ से हम लेफ्ट हो गए। ये रहा देखिए, यहाँ से 2 किलोमीटर का अंदर का रास्ता और दिखा रखा है। ये हम वहाँ से जो कालू सिद्ध था वहाँ से सीधा पहले टर्न राइट, और ISBT से बड़ो वाला वाली रोड पे हम आ गए थे, जो कि नेशनल हाईवे है, चंडीगढ़ नेशनल हाईवे। तो ये देख सकते हैं आप, ये है बड़ो वाला का एरिया। In 400 meters, continue straight. मैं भी मानक सिद्ध का नाम तो सुना था मैंने, बट पहली बार आ रहा हूँ मैं भी। और आप जैसा कि देख सकते हैं कितनी अच्छी लोकेशन है। टर्न लेफ्ट, देन टर्न लेफ्ट। और ये टंकी से हमें लेफ्ट होना है यहाँ पे। ये रास्ता मंदिर के लिए जा रहा है।
left, then you will arrive at your destination. You have arrived. तो गाइस आप देख सकते हैं सामने मानक सिंह का मंदिर है और हम यहाँ बाइक खड़ी कर देते हैं आगे। गाइस ये देख सकते हैं मंदिर परिसर और कितना अच्छा बना रखा है। ये है मानक सिंह जी का मंदिर, ये देखिए कितना अच्छा बना रखा है मंदिर। ये आप देख सकते हैं गाइस, हमने मानक सिंह जी के दर्शन कर लिए और अब हम जा रहे हैं मांडू सिद्ध यहाँ से, तो मिलते हैं गाइस मांडू सिद्ध में, दिखाता हूँ आगे का रास्ता आपको। सो गाइस हम मांडू वाला साइड आ चुके हैं क्योंकि हमारा चौथा सिद्ध है मांडू सिद्ध। देखिए यहाँ का रास्ता देखिए आप, ये भी नॉर्थवेस्ट देन टर्न राइट। बट ये देखिए मांडू सिद्ध मंदिर का रास्ता यहाँ से, सही हम 100 मीटर ही आगे गए थे, ज्यादा आगे नहीं गए। बट आप गाइस इन 600 मीटर्स टर्न लेफ्ट, 600 मीटर्स के बाद हमारी मंजिल आ जाएगी। भाई हम आ चुके हैं श्री मांडू सिद्ध मंदिर समिति में, जो कि आपका स्वागत करती है। हम एक बार शूज उतार लेते हैं फिर मैं अंदर ले चलता हूँ आपको। अभी तो निकलने की सोच रहा हूँ मैं। तो गाइस हम अभी पंडित जी के साथ बैठे हैं, पंडित जी हैं मांडू सिद्ध में, निकलना भी पड़ता है। और ये हमारे चौथे सिद्ध हैं यहाँ के देहरादून के मांडू से, और हम अभी पंडित जी के साथ ही बैठे थे ये देख रहे हैं। तो कैसा लगा आपको दर्शन ये बताइएगा, चारों से एक साथ हमने आज किए हैं, और कैसा रहा आपका, कैसा लगा आपको आप बताइएगा कमेंट्स में। बाकी आगे का मैं और बताता हूँ आपको, एक जगह और जाना है अभी हमें, मतलब बाला सुंदरी के मंदिर, वहाँ और लेके चलता हूँ मैं चारों सिद्ध के साथ। एक और मंदिर है तो वहाँ मिलता हूँ मैं आपको, ठीक है गाइस। सो गाइस जो ये एरिया चल रहा है बिधोली का, और रास्ता जा रहा है ये भाव वाला, हमारा कॉलेज था आप, मैं अपने कॉलेज के लिए दर्शन करवा था। ये रास्ता जा रहा है भाव वाले, भाई यहाँ फोटो खींचो, यही तो मैं कह रहा था यहाँ खींचवा। ओह माय गॉड, नहीं नहीं so guys, ये रोड जा रही है सीधा सुद्धो वाला, अभी हम मांडू वाला से आए हैं और यहाँ पे माता बाला सुंदरी जी का मंदिर आने वाला है, यहीं से लेफ्ट को होना है अंदर को। तो ये देखिए सिद्ध पीठ है महामाया बाला सुंदरी माता जी का प्राचीन मंदिर, महामाया बाला सुंदरी जी का प्राचीन मंदिर। तो गाइस ये थे माता बाला सुंदरी जी के दर्शन, और इधर लेफ्ट लेफ्ट, और अब हम यहाँ से चलते हैं अपने घर की ओर।
आई होप आपको आज चार सिद्ध पीठ दिखाए हमने और माता जी का एक प्यारा सा मंदिर दिखाया माता बाला सुंदरी जी का। आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।